smart. Korea is really smart. They've stopped adding microplastics to their products. True. But what makes you think they did that? Welcome दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर दीप्ति, a renowned dermatologist from Gurgaon. Welcome डॉक्टर दीप्ति. Thank you so much Akansha. आज हम डॉक्टर दीप्ति के थ्रू ये समझेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है और ये कैसे स्किन पर असर करते हैं. डॉक्टर दीप्ति, क्या आपको लगता है कि माइक्रोप्लास्टिक आपके स्किन केयर में छुपी एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? माइक्रोप्लास्टिक्स ये वो लिक्विड प्लास्टिक्स हैं या फिर पॉलीमर्स हैं जिनको स्किन केयर में थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. ये आपके स्किन पर एक ऐसी इनविजिबल प्लास्टिक की लेयर बना लेते हैं जिससे कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते. वो ही नहीं बल्कि एक्ने, डर्माटाइटिस एंड अदर kinds of inflammations can also form because of this. I wonder why Korea and Germany has stopped their production and Europe bhi ban karne wala hai. Korean skincare ka rage kafi zyada hai market mein, lekin microplastic ke bare mein India mein is bare mein koi conversation nahi hai. Korea is really smart. They have stopped adding microplastics to their products. Korean technology is commendable. Unhone microplastics ko na khali skin mein balki environment mein bhi आइडेंटिफाई किया है, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर काफी रोक लगा दी है. अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की एडवाइस माने तो इवन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स के ट्रेसेस मिले जाते हैं.